मेरे साथ चंदू हैं जो अभी हमको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नालियां और गंदगी का वाली ये नाली। मामला है। आगे आगे चंदू चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं चल रहा हूं और वो हमें बताते जा रहे हैं। देख सकते हैं ये ये, पुरानी नाली है, पुरानी नाली अच्छा ये दबी हुई है अभी, दब गई पूरी, हो जाएगी तो पूरी काम आने लगेगी नाली। क्या है पूरा बताओ। ये बहुत पुरानी नाली, आज 10-15 साल पुरानी नाली है, लेकिन क्या हुआ ये पूरी नाली पुर चुकी है, तो पंचायत में वही बात बोल रहे हैं भैया नाली पुर गई, इसको उगाया जाए। अब जिस कारण पानी पक्की नाली है, यहाँ से लेकर संजय साहू घर तक पूरी पक्की नाली है, लेकिन अब पूरी नाली पुर गई है, इस कारण पूरा पानी गंदा पानी रुक रहा है, जिससे कि अब गंदगी हो रही है, बच्चों खेलते कूदते हैं, बच्चे देखिए जैसे बाजू में बच्चे खेल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये नालियों की हालात। अब इसी नाली पे हमारे साथ अभी शुभम शुक्ला चंदू जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इस वार्ड से चुनाव जीत के आए हैं, वो हमें घुमा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने पंचायत में अपनी बात रखी थी। ये जो सामने गंदगी दिख रही है, इसके संबंध में भी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैंने इस विषय में बात रखा, लेकिन सरपंच साहब कहना ये हो रहा है कि जहाँ तक गंदगी है वहाँ साफ कर देंगे, बस हो गया। अब मानो वहाँ तक चलो गंदगी है, वहाँ तक आप साफ कर दी, अब उसके आगे जो पानी भरेगा फिर चेंगा होगी, फिर इंसान जनता पंचायत बोलेगी। तो आपने ये बात पंचायत में नहीं रखी? मैंने बात रख ली, मैं आज भी सरपंच साहब मिलने भी गया, लेकिन उन्होंने बोल दिए, बोले नहीं, बोले जहाँ तक है वहाँ तक करेंगे, और उसके बाद हाँ पूरी नाली बनी हुई है, आगे तक देख के आते हैं। हाँ चलिए हम लोग। जब बीमारियां आती हैं तो हम लोग परेशान होते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो गंदगी है, गंदगी के जस्ट अब मैं आपको जो दिखाऊंगा शायद आपके होश उड़ जाएं। सामने धार्मिक स्थल है, हमेशा धार्मिक स्थल के सामने सफाई के आदेश होते हैं। इस मंदिर के सामने आप देख सकते हैं कि ये नाली का जो ये कचरा दिख रहा है आपको, ये जो देख रहे हैं आप जिस तरीके से यहाँ पे ये कीचड़ हो रहा है, शायद इसके अलावा यहाँ पे लोगों की बसाहट है, लोगों के घर हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और इन बच्चों के बीच में आपको और हमको देखना चाहिए कि किस तरह से इनके घर के सामने नाली का ये कीचड़ फैल चुका है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे नाली मौजूद है, मगर आपको वो पक्की नाली नज़र आए तो मुझे बता दीजिए, दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इस पक्की नाली को हम अभी ढूंढ रहे हैं, नाली की ढुंढाई चालू है कि वो नाली कहाँ पर है मौजूद। इस नाली की सफाई की चर्चा हो रही है कि सफाई की जाए, यहाँ से नाली गायब है, मगर ये नाली हम आगे चल के ढूंढेंगे। ये अभी हम घूम रहे थे, घूमते हुए अब हमने ये नाली की यहाँ पे जो चर्चा की, हमने बात की, अब आपके घर के पास पहुँचे हैं। ये नाली यहाँ पे पहले कभी नाली हुआ करती थी? हम नाली ढूंढ रहे हैं। हाँ नाली है ना, थी ना यहाँ पुरानी, तो ये नाली कभी साफ हुई क्या? आपने नहीं हुई, पंचायत की तरफ से कभी नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, अभी जब ये सामने की साफ हो रही है तब आपने इसके साफ करने के लिए बोले? बोले ना। क्या जवाब मिला? बोले कर देंगे, तो इतना करके चले गए और यहाँ नाली बनाए नहीं पड़े, गंदगी जी, यहाँ नाली दबी हुई है, उसकी सफाई नहीं हुई। नहीं हुई है। अगर मान लीजिए कि ये साफ नहीं होता है, वो वहाँ तक थोड़ा साफ कर देते हैं, तब तो ये पूरा पानी आपके घर के सामने आएगा। हाँ, घर के सामने आएंगे, और छोटे बच्चे हैं, वो गंदगी है, तबीयत बीमारी होने का डर है, तो चांस अभी भी है, अभी भी है। तो क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में कहा नहीं कि इसे साफ करवाओ? नहीं नहीं, पंचायत में कहा ना जी। हाँ, तो पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ऐसा हमने सुने हैं कि अभी हम हमारी बात हो रही थी शुभम शुक्ला चंदू से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कह रहे हैं कि इसकी जगह नई नाली बनवाएंगे, तो जब पहली पुरानी नाली है तो उसे साफ नहीं करवा रहे, कि नई नाली की बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि पुरानी साफ होना चाहिए? पुरानी साफ होना चाहिए ना, नई की जरूरत ही नहीं है, नई की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप ये बताइए और कुछ यहाँ पे समस्या इससे कभी हुई? गंदगी की समस्या है बस। चलिए, हम नाली को ढूंढ रहे हैं, नाली के कुछ अवशेष हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी यहाँ नाली रही होगी, मगर साफ नहीं हुई तो वो नाली गुम हो गई है। फिर यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, कभी यहाँ नाली दिखी है क्या? सामने कभी नाली हुआ करती थी? हाँ। कभी साफ हुई क्या? रुको रुको बताओ, इधर उनसे पूछते हैं। अभी सामने हम नाली ढूंढने निकले हैं। हाँ, तो यहाँ कभी नाली हुआ करती थी क्या? नाली है ना सामने, मगर वो सफाई नहीं, कभी नहीं हुई। हाँ, कभी नहीं हुई वो, उधर की नहीं हुई, बाकी यहाँ की होती है इस तरफ की। अच्छा, उधर की कभी नहीं हुई? उधर की नहीं। जैसा कि आपने देखा, हम इस साइड की नाली ढूंढते हुए निकले थे और आखिरकार हमें वो नाली मिल गई,
बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है कि पुरातत्व की खोज की जा रही हो, ज़मीन में गड़ी हुई कोई बहुत पुरानी चीज़ ढूंढी जा रही हो जिसके बारे में लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ पर वो चीज़ मौजूद थी। यहाँ पर ये रोड है, रोड के दोनों साइड नाली है, एक साइड नाली की सफाई होती रहती है, दूसरे साइड की नाली जैसे कहीं गुम हो गई। जैसे पुराने ज़माने में शहर की शहर ज़मीन में दब जाया करते थे, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये नाली दब गई। ये नाली को हम उधर से ढूंढते हुए आ रहे थे तो उसके कुछ अवशेष अब हमें नज़र आए हैं। हमने बात किए शुभम शुक्ला से जो कि पंच हैं यहाँ के पंचायत में, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने किस तरह से बात की और उन्हें क्या जवाब मिला। अब आप देख सकते हैं इस नाली में, मैं नाली में कूदूंगा तो नहीं क्योंकि नाली में कूदने से मेरी पत्रकारिता में हो सकता है कि नाली और नाले की गंदगी लग जाए, मगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि आप देखिए और देखिए कि किस तरह से वो पूरे क्षेत्र में इस साइड की ये पूरी रोड की नाली जो है वो गायब है। कुछ अवशेष हमें मिले, लोगों ने बताया, अब हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ आसपास घर हैं या आपकी मोहल्ले की जो ये रोड की जो नाली है कितने दिन से साफ़ नहीं हुई है? बहुत दिन से साफ नहीं। अच्छा, यहाँ पर अभी हम एक नाली ढूंढ रहे थे जिसके अवशेष ढूंढते ढूंढते आए हम, तो यहाँ कुछ मिला हुआ करती थी कोई नाली, तो हाँ। वो आप देखी नहीं रही है नाली? पहले थी नाली। हाँ, तो कब से साफ नहीं हुई और ये गायब हो गई? बहुत दिन से। हाँ, कभी ऐसे सफाई होते देखे क्या है नाली वाली की? सफाई होती नहीं करके अड़चनों के कारण क्या है, सफाई नहीं होती करके डूब दिए उसको, पूरा पैक कर दिए, पूर गई वो, है ना? आने जाने में दिक्कत। अच्छा, अब अगर सफाई की बात हो रही है कि सफाई की जाए, तो आप लोगों ने कभी डिमांड नहीं रखा कि दोनों साइड की नाली साफ की जाए? पानी आएगा, किसी का बह के रास्ता रोड खराब होगी, कोई सुनता ही नहीं है ना। कई बार शिकायत कर दी, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। बोलते भी हैं तो कर देंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा, कोई काम नहीं करते। पंचायत में भी जाओ, कहीं जाओ, अच्छा, कोई शिकायत नहीं सुनता। और अच्छा, और आप ये काम नहीं होता बोले, क्या क्या समस्या होती है नाली से आपको? बहुत समस्या होती है, बच्चे लोगों को कीचड़ भर जाता है, आने जाने में समस्या होती है। हाँ, अच्छा, अब इसकी सफाई जैसे अभी तो ऐसे अभी हम देख रहे हो रही है, रात में मच्छर भयंकर चापते हैं, मच्छरों की समस्या, समस्या बीमारी की समस्या, बीमारी की समस्या है। अच्छा, आप कभी ऐसा ये बांस वांस ये वो? हाँ, बात बहुत आती है यहाँ पे, होती है। हाँ, और पूरा होटलों का पानी आता है यहाँ पे। अच्छा, होटलों का पानी उधर से आता है? होटलों का पानी आता है यहाँ पे, इकट्ठा होके यहीं पे जम जाता है, यहीं पे जम जाता है। तो ये जो सफाई हो रही है एक साइड की, तो आप लोगों ने सामने की सफाई की बात नहीं की नाली की, कि वो नाली भी साफ हो? उधर अब इधर ये साफ हो जाएगा, उधर का पानी फिर जमा होगा। हाँ, तो ये लोग थे, हमने इनसे बात की, हम पूरा गांव घूम रहे हैं, सफाई का जायज़ा ले रहे हैं, आपको और भी हम चीज़ें दिखाएंगे। अब देखना यह है कि इनमें किन किन चीज़ों में काम होता है। जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ नई नाली बनाई जाएगी, तो सवाल ही उठता है कि नई नाली में पैसा अलग से खर्च क्यों किया जाए? क्या पैसा ज़्यादा हो गया है, या पैसा ज़्यादा खर्च करके, या फिर भ्रष्टाचार करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं कि ऐसे निर्माण कराए जाएं और फिर उससे पैसा बचाया जाए। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।